Assalamu alaikum. Today we are discussing basics of grammar. Let's talk about what is grammar. Speak up. Who will tell me in this class what is the proper definition of grammar? Yes, speak up. What is the spelling of grammar? G-R-A-M-M-A-R. Grammar is an art of language. Grammar is an आपकी जबान का जो आर्ट है कि आपको बात कैसे करनी चाहिए. आमतौर पर हमारे माशरे में ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता, ठीक है. फिर हमारे माशरे में इन आर सोसाइटी जो इखलाकमंद लोग होते हैं, ज़रा अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट कभी ख्याल करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं. तो यार इससे शिकायत नहीं होगी, ठीक है. और कुछ लोग जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक. तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? तो लिहाजा हमें ये बात समझनी चाहिए. अब इसमें दो से तीन बातें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. नंबर वन, इन प्रेजेंट एरा मोर देन 200 प्लस कंट्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. 200 से ज़ायद ममालिक हैं इस दुनिया में. कितने ममालिक हैं? 200 प्लस. अब इसमें एक इंग्लिश का ट्रेंड मौजूद है, इंग्लिश को सीखने का ट्रेंड मौजूद है, और वी शुड इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्किल्स. वी शुड स्पीक इंग्लिश सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट. इसी तरह से हमारी लाइफ में उर्दू की इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल लैंग्वेज. ये हमारी कौमी ज़बान है. लेकिन अफसोस की बात यह कि ना तो हमारी उर्दू सही है, ना तो हमारी English. ऐसी किश्ती में हम सवार हैं कि किसी भी वक्त समुंदर में गिर सकते हैं, ठीक है ना. तीसरी चीज़ होती है अरेबिक स्किल्स. कौन सी लैंग्वेज? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक जो ज़ाहरी तौर पर है, वो कौन सी है? जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारी ज़बान क्या हो जाएगी? समझ आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर आपके पास जो है, जो फर्स्ट टारगेट है आपके पास, जो फर्स्ट टास्क है आपके पास, वो सब्जेक्ट है. क्या है? डूअर. समझते हैं आप डूअर? डूअर कहते हैं काम करने वाले, यानी निकम्मे लोग तो डूअर नहीं कहलाएंगे फिर, ठीक है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करने वाले नहीं होते ना, वो नाअहल होते हैं. क्या होते हैं? तो आप तो काम करने वाले हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे आप या बहाने बनाएंगे? सर घर पे बीमार थे, फंक्शन चल रहा था, बहाने तो बहुत सारे होते हैं ना, ना करने के बहाने. तो डूअर ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. कौन सब्जेक्ट होता है? काम को करने वाला सब्जेक्ट. आपने उर्दू बोलनी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, सही है ना. यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है. जब आप किसी को डिस्क्राइब करेंगे, एलिब्रेट करेंगे, तो वो इंग्लिश में ही करेंगे, उर्दू में. उर्दू इज नॉट अलाउड. उर्दू नहीं बोलनी है आपने. ही टीचेस अस, वो पढ़ाता है. तो काम करने वाला कौन हुआ? वो हुआ. तो ही क्या हुआ? ये बात समझ आती है आप लोगों को? घर वालों को समझा सकेंगे? पक्की बात है, ठीक है. वर्ब इज अ वर्ड विच शोज इन एक्शन और स्टेट. वर्ब में दो बातें आती हैं. नंबर वन क्या आता है और नंबर टू क्या आता है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज स्टेट. हु विल टेल मी इन दिस क्लास व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज स्टेट? रेज योर हैंड एंड स्पीक अप. जी, काम को एक्शन कहते हैं. ये सही कह रही हैं गलत कह रही हैं? काम को एक्शन कहते हैं. सही कह रही हैं वैसे. शी इज एब्सोल्युटली राइट. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? इजी एग्जांपल. जी स्पीक अप. जी सीधे रास्ते में चलने वाला, ठीक है. जी जो काम हो रहा हो वो एक्शन है. चले मैं आपसे ही बात करता हूँ कि देखिए एक्शन खुद बता रहा है कि जिसमें एक्शन होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है? अब हम कह रहे हैं कि एक्शन होगा और एक्शन ही ना हो तो बात बनेगी? नहीं बनेगी ना. राइटिंग, राइटिंग में एक्शन है? जी बताएं, राइटिंग में एक्शन है? आप लिख रहे हैं, इसमें कोई एक्शन है? स्पीकिंग में एक्शन है? वॉकिंग में एक्शन है? कुकिंग में एक्शन है? ड्राइविंग में एक्शन है? ये सारी एक्शन वर्ब्स होंगी. कौन सी वर्ब्स होंगी? समझ आ गई ये वाली बात? दूसरी वर्ब की कंडीशन होती है स्टेट. बोलें क्या होती है?
स्टेट. अच्छा, स्टेट जो है ये, दिस इज योर फिजिकल कंडीशन. ये फिजिकल कंडीशन होती है, जैसे आप ये कहें कि ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है? यहां पर इज स्टेट वर्ब है, यहां पर इज कौन सी वर्ब है? ये फिजिकल कंडीशन हमने बता दी है कि वो डॉक्टर है. अभी हम ये नहीं बता रहे कि वो क्या करता है, हम ये बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है. क्या है? डॉक्टर है. ठीक है, वो डॉक्टर सबसे ज्यादा जालिम है कि पेशेंट के ऑपरेशन करने की नीड ना हो लेकिन 50,000 रुपए कमाने के चक्कर में तब भी वो पेशेंट का ऑपरेशन कर दे, तो उसका डॉक्टर होना बेकार है. नहीं समझ आ रही बात? सिंपल सी बात है. ठीक है, वरना तो इंसानियत नहीं हुई ना. इंसानियत होगी तब बात बनेगी ना, तो इंसानियत का होना सबसे ज्यादा जरूरी है. अब मैंने आपसे ये बात की कि एक्शन वर्ब हो सकती है और कौन सी वर्ब हो सकती है, तो एक्शन वर्ब में क्या चीज मौजूद? एक्शन होगा, और स्टेट में एक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टेट में एक्शन आ जाए तो फिर वो स्टेट नहीं रहेगा. क्या नहीं रहेगा? तो एक्शन और स्टेट क्लियर हो गया आपको? शी इज अ लेक्चरर, व्हाट इज स्टेट इन दिस कंडीशन? बोले इज अ स्टेट फिजिकल कंडीशन. यहां हमने बाय प्रोफेशन बात की है. क्या बात की है? सबको समझ आ गई ये वाली बात? अब दूसरी बात कर लेते हैं. रिसीवर समझते हैं आप? रिसीवर, यहां देखिए ड्राइविंग की बात की गई है. ड्राइविंग इज अ एक्शन वर्ब. ड्राइविंग करने में एक्शन है ना, जरा बराबर लापरवाही एक्सीडेंट हो सकता है. अब बाइक चलाते हुए मोबाइल फोन यूज करना तो जहालत ही है ना, अच्छी बात तो नहीं है. बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए मोबाइल फोन यूज, इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड, मना है ना ये. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यकीनन अब आप ऐसा नहीं करेंगे. अब आप ऐसा, लास्ट पॉइंट है आपके पास ऑब्जेक्ट. रिसीवर समझते हैं एक्शन को, रिसीव करने वाला एक्शन को. अब आप कॉल रिसीव करते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? बहुत सारे लोग हेलो बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम बोला करें. क्या बोला करें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम ही बोलता हूँ. ठीक है, तो जब आप कॉल रिसीव करें तो सबसे पहले बोलें अस्सलामु अलैकुम. क्लियर हो रही है बात? एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट है. क्या है? क्लियर हो गई बात? ही टीचेस अस. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अस यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अस एक्शन को रिसीव कर रहा है ना, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस आर अलाउड. जो बात आपको समझ नहीं आई है वो पूछ लें. स्टेट वर्ब दोबारा बता दें. ठीक है ना, स्टेट वर्ब देखें, मैंने ये बात बताई. स्टेट वर्ब जो होती हैं आपके पास, जैसे इज एम आर जो है, ये स्टेट वर्ब होंगी आपके पास. जैसे शी इज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो ये जितने भी चीजें होंगी ये स्टेट वर्ब्स में आएंगी. स्टेट फिजिकल कंडीशन को कहते हैं. अभी हमने ये नहीं कहा कि डॉक्टर करता क्या है, अभी हम क्या कह रहे हैं? वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर हैं. तो इंजीनियर है, इंजीनियर क्या काम करता है, ये बात नहीं हो रही है. अभी हम ये बता रहे हैं कि वो इंजीनियर है. तो ये इसकी फिजिकल कंडीशन हुई ना, स्टेट कंडीशन हुई. क्या कंडीशन हुई? समझ आ गई बात? अब और बोलें जी. स्पीक अप. शी टीचेस अस. हु विल टेल मी इन दिस क्लास हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंसेस? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंसेस? टू पार्ट्स. नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट. सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं. नंबर वन पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट, एंड नंबर टू पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. क्या कहलाता है? ये बात सबको समझ आती है? अब मैंने ये बात क्लियर कर दी आपके सामने कि सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन होगी, द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और हमने पार्ट्स पर बात कर ली कि सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं. कोई क्वेश्चंस आर अलाउड? क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, जो बात आपके समझ नहीं आई हो. किसको? ये मैंने ये बात कही कि शी आपके पास सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो पार्ट होता है ये प्रेडिकेट कहलाता है. क्या कहलाता है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेडिकेट में आपके पास जो है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब शामिल है, वर्ब शामिल है, ऑब्जेक्ट शामिल है, एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट शामिल है, पजेसिव केसेस शामिल है.